सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे महान शख्सियत का किरदार करने का मौका मिला। इतने महान थे उनके बाद मुझे और ज़्यादा महान उनकी महानता का पता चला। जो हमारे दिग्दर्शक और राइटर्स उनके जो है उन्होंने इतना डिटेल में इनके ऊपर वर्क किया था। ये फिल्म मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला। पर्दे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं क्योंकि हमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है स्कूल में जब हम थे कॉलेज में थे शायद। और इसके जो राइटर और डायरेक्टर जो हैं सर संजय राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इतना डिटेल में वर्क किया इस फिल्म के बनाने से पहले, तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस महान इंसान के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए जो नहीं पता चल पाया आज तक। और ये फिल्म बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताई जानी चाहिए क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक तो हमारे पहले एक क्रांतिकारी तो है ही पर एक हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने पढ़ाई में उन्होंने जो कितनी तकलीफ मेहनत करके इतनी सारी लैंग्वेज सब कुछ सीखा। तो ये हर एक इंसान को और हर एक बच्चे को पढ़ा दिखाना चाहिए बचपन से ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे बने। आप लोगों ने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर, क्योंकि एक बायोपिक जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता भी है लोगों को, तो आपने उसको कैसे दिखाया फिल्म में और क्या प्रिपरेशन की है आपने अपनी तरफ से, कुछ बताया। ये तो बहुत कठिन काम था, किसी बायोपिक पिक्चर को बनाना आसान काम नहीं है। तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, कई किताबें देखी, कई जगहों पे गए, लाइब्रेरीज में गए, कहाँ कहाँ ढूंढते ढूंढते कम से कम 4 साल तो लगा हमको रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार करने में। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है और क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल अनूठा है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी अनूठा है। इनके जैसा कोई भी राजनीति के अभी तक कोई भी नेता आज तक नहीं देखा मैंने, तो महसूस हुआ मुझे। इन्होंने जब ये कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ सलमान बाद में, इससे पता चल जाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा कठिन काम था और इसलिए मुझे बड़ी सावधानी के साथ कई कई जो विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते थे जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है, उनके लेखों को उनके किताबों को मैंने पढ़ा और एक एक चीज़ को मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ लेने लायक है और क्या क्या चीज़, मतलब हमारी फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमको शूट करती है दर्शक के लिए और जो देखने वाले लोग हैं और यहाँ तक के इतिहास को भी हमको बिल्कुल इंटैक्ट रख के आगे बढ़ना था कि कहीं कोई ऐसी चीज़ गलती ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमने इसको रिसर्च करके पटकथा के रूप में तैयार किया। कठिन काम था बट आज मुझे लगता है कि हमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है और ये देश के बच्चों के लिए आज के जनरेशन के लिए एक शिक्षाप्रद फिल्म साबित हुई। तो ये बायोपिक एक फिल्म है तो आपने जैसे बताया कि आपने पूरा सर्च करके किया, लेकिन उसमें कोई ऐसे सीन जैसे आपने सोचा है लेकिन आपने हटाया हो कि कहीं इस पे विवाद ना हो जाए? मौलाना आज़ाद कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे कि इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, वो बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे, सच को सच मानते थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को भी, उनका अगर कोई प्रपोजल होता था कोई, तो बोलते थे कि गांधी जी अगर इस बात को हम ऐसे प्रेजेंट ना करके ऐसे प्रेजेंट करें तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये बात बहुत बड़ी थी उस ज़माने में, गांधी जी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि गांधी जी आप ऐसे नहीं, ऐसा कीजिए तो ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा अंजाम मिलेगा, कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तो इतने स्पष्ट वक्ता थे वो, तो
ऐसे स्पष्ट वक्ता के बारे में कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने बड़ी सावधानी बरती है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य न निकल जाए कोई ऐसा डायलॉग के रूप में कि ताकि आगे चल के उसमें कोई कठिनाई पैदा हो जाए। हमने इसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा है। हाँ, सबसे पहले डर तो ऐसी बायोपिक और इतने महान इंसान का तो किरदार निभाना, तो जब भी मैं इस किरदार के बारे में सोचता तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने देखा, उनको पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर YouTube पे और उस पर देखा तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ है नहीं। तो उनकी किताबों में उनके जेस्चर पोस्चर है, वो कैसे खड़े रहते थे, कैसे उनका बैठने का तरीका था, तो वही मिला है। तो उसको मैंने सब रिसर्च कर करके अपने एक्टिंग में उसको मैंने एक फिल्म तो कैसे मिली मैंने तो मैं बोलता कि ये फिल्म जब बना रहे थे तो मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है, उसमें एक मोहम्मद अली जिन्हा का कैरेक्टर है, तो सीन बहुत ही कम है पर अच्छा है। तो मुझे तो जिन्हा का कैरेक्टर, ऐसे भी दो सीन हो तो भी वो क्या है कि जो उनका ये है व्यक्तित्व, तो मैं उनका हाँ चलो जाता हूँ, तो इनसे मिलने आया सर से। तो उन्होंने मुझे देखा तो देखकर कहा कि नहीं, आप जिन्हा के लिए फिट नहीं है। बोला ठीक है, तो मेरे सर से बातचीत होती रही 10-15 मिनट। उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मैंने क्या किया है क्या, उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली और वो बुक खंगालते रहे। फिर थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि आप जिन्हा के लिए तो नहीं है लेकिन हम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे 4-5 ऑडिशंस लिए, फिर उन्होंने वर्कशॉप लिए और फिर मुझे ये रोल मिला। मैम बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए तो मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ और चैलेंज तो हर जगह होता है, लेकिन ये बायोपिक थी और ऊपर से मौलाना आज़ाद के बारे में थी, तो मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी और इन बिटवीन उनका साथ रहा। मुझे लगा कि प्रत्येक दिन डिस्कस करते थे, शूटिंग के बाद भी डिस्कस करते थे, इवन घर पे जाने के बाद भी फ़ोन पे भी डिस्कस होता था कि क्या मतलब कैसे नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है हमारा, हम इस तरीके से क्या करें क्या है। तो दिक्कतें भी काफ़ी आई क्योंकि वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उस समय का जो पीरियड है और आज के टाइम पे हम सब चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि कैसे कैसे करके उसको मैनेज करें, क्योंकि उस समय की जो प्रॉपर्टीज हैं, उस समय का जो कॉस्ट्यूम्स है, उस समय का जो सारा माहौल था, उसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी एक यहाँ तक पहुँच गए। तो बाकी ट्रेलर के हिसाब से आपको लगा होगा कि जो भी है मतलब वो सामने काम है लैंग्वेज पे। तो ये था कि सर जो हैं उन्होंने उनको उर्दू अच्छे से आती है, उन्होंने पूरा उर्दू पे पढ़ा भी है और उन्होंने लिखी हुई है, तो एक एक चीज़ को वो मेंटेन करके चल रहे थे। साथ में इन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है इस बिटवीन, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो उस बीच में उनका वर्कशॉप चालू था। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा क्योंकि लैंग्वेज के लिए वो एक एक चीज़ को देख रहे थे। फिर जो भी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे है, तो हमारी डबिंग जब हुई, हम पोस्ट पे आए, तो पोस्ट के दौरान हमने उसको उस चीज़ को जो भी करेक्ट करना था वो करेक्ट करके फिर आज मतलब। तो उर्दू का एक ऐसा चीज़ है कि उर्दू अगर आप बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते क्योंकि उसको अलग तरीके से बोलना पड़ता है, जो मुझे भी, मैं हकीकत बताऊं तो मुझे भी नहीं आती कि कैसे कैसे बोला जाता है, लेकिन वो थे उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा था कि किस शब्द को कैसे बोलना है, किस शब्द को कहाँ से उठाना है, गले से बोलना है कि पेट से बोलना है कि जीभ से बोलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता थी, तो उन्होंने सारी चीज़ पर हर जगह पर वो हेल्प की। तो लोकेशन मैम हमने एक तो मुंबई में की है यहीं पर, फिर हम कलकत्ता गए, दिल्ली में हमने शूट किया, बाकी ये था कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता। एक सबसे बड़ी बात ये है तिरंगा उस जमाने में, देखिए उस जमाने में तिरंगा का रंग कुछ और ही था,